दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी पर ममता बनर्जी का तगड़ा हमला। बोली, अगर दोस्तों की इतनी चिंता है तो फ्री में दें गैस सिलेंडर। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे मिथुन चक्रवर्ती, 12 मार्च को करेंगे अभियान की शुरुआत। वहीं अब रोजाना मंच संभालेंगी महिला किसान नेता। आंदोलन की सुरक्षा व्यवस्था के साथ लंगर की भी मिली जिम्मेदारी। वहीं नंदीग्राम की जंग में 11 मार्च को ममता बनर्जी करेंगी नामांकन, 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी दिखाएंगे दम। वहीं पेट्रोल डीजल पर राज्यसभा में विपक्ष का तगड़ा हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही की गई स्थगित। वहीं टीएमसी में भगदड़ जारी, 5 विधायकों ने पार्टी छोड़ थामा बीजेपी का दामन। वहीं पश्चिम बंगाल में दीदी का समर्थन करेगी जेएमएम, नहीं उतारेगी कोई भी उम्मीदवार। वहीं राहुल गांधी को याद आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले बीजेपी में बन गए बैक बेंचर, कांग्रेस में होते तो बन सकते थे मुख्यमंत्री। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तगड़ा हमला, बोली एक दिन ऐसा आएगा जब देश का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की अब खैर नहीं, 10 साल की होगी सजा, विधानसभा में पास हुआ कानून। वहीं पंजाब विधानसभा के बाहर अकालियों का जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस को करना पड़ा वाटर कैनन का इस्तेमाल। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी पर ममता बनर्जी का तगड़ा हमला। बोली, अगर दोस्तों की इतनी चिंता है तो फ्री में दें गैस सिलेंडर। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला दिवस के मौके पर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कोलकाता में मार्च निकाला और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई मेरे और बीजेपी के बीच है, बीजेपी के पास पैसा है और मेरे पास आप हैं। महिला दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि नारी के अधिकार की रक्षा करना मेरा पहला काम है, बंगाल में नारी का असम्मान नहीं चलेगा, बंगाल मदर टेरेसा की भूमि है, महिलाएं हमारा गौरव है, हम इस दिन को नारी मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दो सिंडिकेट मंत्री हैं जो बंगाल आते हैं और झूठ बोलते हैं। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करती हूं, लेकिन एक प्रधानमंत्री को झूठ बोलते देखना आश्चर्यजनक है। वे कहते हैं कि बंगाल की महिलाएं असुरक्षित हैं, लेकिन अगर बंगाल असुरक्षित था तो महिलाएं सुबह 12 बजे या फिर सुबह 4 बजे तक कैसे घूम सकती हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में दिए भाषण पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कल पीएम मोदी बोल रहे थे कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन उन्हें जान लेना चाहिए कि बंगाल के हर घर में डॉक्टर और इंजीनियर है। भाजपा ने ब्रिगेड को बी ग्रेड कर दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बना दिया है। वहीं इसरो को भी अपना फोटो भेज दिया है। बंगाल की जनता समझ गई है कि उन्हें तोलाबाज सिंडिकेट नहीं चाहिए, अमित शाह नहीं चाहिए, मोदी भी नहीं चाहिए। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी बाबू और शाह बाबू झूठे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने बंगाल के 90 लाख लोगों को गैस कनेक्शन दिए हैं, लेकिन गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ साल पहले 300 से 400 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर आज 900 रुपए का हो गया है। अगर उन्हें अपने दोस्तों की इतनी ही चिंता है तो गैस सिलेंडर फ्री में क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि आप बंगाल पर जितना हमला करोगे, बंगाल उतनी ही दूनी ताकत से आप पर हमला करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार भी बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे मिथुन चक्रवर्ती, 12 मार्च को करेंगे अभियान की शुरुआत। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती 12 मार्च से नंदीग्राम में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार करेंगे। इसी दिन शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि नंदीग्राम विधानसभा सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती एक दिन पहले ही यानी 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्होंने अब ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने की कमान संभाल ली है। अगली बड़ी खबर, अब रोजाना मंच संभालेंगी महिला किसान नेता। आंदोलन की सुरक्षा व्यवस्था के साथ लंगर की भी मिली जिम्मेदारी। ये आपको बता दें कि दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। महिलाएं अब रोजाना मंच पर मोर्चा संभालेंगी और महिला किसानों का नेतृत्व भी करेंगी। महिला दिवस के मौके पर किसान संगठन ने यह तय किया है कि इस दौरान महिलाएं लंगर से लेकर सुरक्षा तक की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर सभी महिला किसानों ने बड़ी
बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान न केवल मंच का संचालन केवल महिला किसानों के हाथों में रहा बल्कि महिलाओं ने भोजन और सुरक्षा के प्रबंधन से लेकर अपने संघर्ष की कहानियां भी साझा की। आपको बता दें कि अब से हर रोज किसान महिला नेता मोर्चा संभालेंगी। अगली बड़ी खबर, नंदीग्राम की जंग में 11 मार्च को ममता बनर्जी करेंगी नामांकन और 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी दिखाएंगे दम। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, तो वहीं भाजपा ने अब तक सिर्फ 57 प्रत्याशियों के नाम ही घोषित किए हैं। इस बीच राज्य की नंदीग्राम विधानसभा सीट अब सबसे ज्यादा हॉट हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम सीट से ताल ठोकी है और भाजपा ने उनके जवाब में शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। राजनीति के ये दोनों धुरंधर एक दूसरे को करारी मात देने का दावा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने बीते दिनों ऐलान किया था कि वह 10 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी और 11 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जल्द ही अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। बता दें कि ममता बनर्जी के एक दिन बाद भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक वक्त पर तृणमूल कांग्रेस में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब वह अपनी पूर्व नेता ममता बनर्जी को हराने के लिए दम भर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि वह ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराएंगे। टीएमसी ने अब तक सभी 291 और भाजपा ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि भाजपा इस बार बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार भी टीएमसी की ही सरकार बनेगी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार बंगाल किसका होगा, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, महंगे पेट्रोल डीजल पर राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही की गई स्थगित। ये आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया। संसद से बजट तो पहले ही पास हो चुका है, लेकिन चर्चा के लिहाज से ये सत्र काफी अहम है। लेकिन सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस के काफी हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी। बता दें कि बजट सत्र का दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच टकराव देखने को मिलेगा। शुरुआत ही हंगामेदार रही। कांग्रेस सांसदों की तरफ से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया। कांग्रेस सांसदों की ओर से सदन में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर नारे लगाने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर चर्चा होनी चाहिए। पेट्रोल लगभग 100, डीजल 80 और एलपीजी गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तेल की बढ़ती कीमतों से पूरा देश परेशान है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसान भी परेशान हैं, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। कांग्रेस के काफी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, टीएमसी में भगदड़ जारी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लग रहे एक के बाद एक तगड़े झटके। अब 5 बड़े विधायकों ने पार्टी छोड़ थामा बीजेपी का दामन। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से तृणमूल कांग्रेस में टूट का दौर जारी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी और दिनेश त्रिवेदी समेत कई बड़े नेता पहले ही पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस बीच ममता बनर्जी को एक साथ 5 बड़े झटके लगे हैं। सोमवार को एक साथ 5 टीएमसी विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया और ये सभी नेता भाजपा में शामिल हो गए। मालदा जिला परिषद का नियंत्रण भी तृणमूल कांग्रेस से छिनकर भाजपा के हाथों में चला गया। 4 बार की विधायक रही सोनाली गुहा और सिंगूर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा रहे 80 वर्षीय रविंद्रनाथ भट्टाचार्य भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा विधायक 85 वर्षीय जट्टू लाहिरी और पहली बार विधायक बने पूर्व फुटबॉलर दीपेंद्र विश्वास ने भी पाला बदल कर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय जैसे अन्य नेताओं की उपस्थिति में पार्टी के झंडे सौंपे गए। तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक शीतल सरदार भी बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा खराब स्वास्थ्य के कारण मालदा जिले की हबीबपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार से हटाई गई सरला मुर्मू ने भी पाला बदल लिया और वो भी भाजपा में शामिल हो गई। इसके अलावा भाजपा ने साथ ही 38 सदस्यीय मालदा जिला परिषद का भी नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि 22 सदस्यों ने पाला बदल लिया और ये भाजपा में शामिल हो गए। इस बीच बंगला अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती भी भाजपा में शामिल हो गई। यानी एक के बाद एक ममता बनर्जी को कई बड़े झटके लगे हैं और अब तक 20 से ज्यादा बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी को मिला हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम का खुला समर्थन, नहीं उतारेगी कोई भी उम्मीदवार। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का शंखनाद बज चुका है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी जहां अपना गढ़ बचाने की कोशिश में है, तो वहीं भाजपा यहां कमल खिलाने की जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती थी, उसने अचानक अपना इरादा बदल लिया। पार्टी ने कहा कि वह राज्य में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और टीएमसी को खुला समर्थन देगी। सूत्रों का कहना है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार ने जेएमएम को मनाने में अहम भूमिका निभाई है। तेजस्वी यादव और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने झामुमो और टीएमसी के बीच में यह समझौता करवाया है। दोनों ने हेमंत सोरेन के साथ फोन पर बात की और उन्हें ममता बनर्जी का साथ देने के लिए मनाया। आपको बता दें कि अब बंगाल में बीजेपी की टेंशन काफी बढ़ गई है, क्योंकि सभी पार्टियों ने ममता बनर्जी को अपना खुला समर्थन दे दिया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को याद आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले बीजेपी में बन गए हैं बैक बेंचर, यदि कांग्रेस में होते तो बन सकते थे मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहते तो एक दिन मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में जाकर बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल मार्च महीने में कांग्रेस में कई सालों तक रहने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के अनुसार यूथ कांग्रेस में पार्टी संगठन पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस के साथ रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कांग्रेस के साथ काम करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने का विकल्प था। मैंने उन्हें कहा था कि एक दिन तुम मुख्यमंत्री बनोगे, लेकिन उन्होंने दूसरा रूट चुना। सूत्रों ने आगे बताया कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लिखकर ले लीजिए, वह वहां पर कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उसके लिए उन्हें यहीं पर वापस आना होगा। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से आरएसएस की विचारधारा से लड़ने और किसी से नहीं डरने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला, बोली एक दिन ऐसा आएगा जब देश का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे राजनेताओं के बयान भी और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मोटेरा स्टेडियम का नाम बदले जाने और कोविड 19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पर स्टेडियम का नाम रखा गया, कोविड 19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों में उनकी तस्वीरें लगाई गईं। एक दिन ऐसा आएगा जब समूचा देश उनके नाम पर हो जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दौरान हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे का नारा दिया। उन्होंने कहा कि हम खेलेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हम दंगे नहीं चाहते, हम भ्रष्टाचार नहीं चाहते, हम नरेंद्र मोदी नहीं चाहते और हम अमित शाह नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हमें फिर से टीएमसी चाहिए और बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है कि क्या इस बार बंगाल का किला टीएमसी के हाथ लगेगा या फिर बीजेपी अपना झंडा लहराएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो लाइक कर जरूर दें। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की अब खैर नहीं, 10 साल की होगी सजा, विधानसभा से पास हुआ कानून। ये आपको बता दें कि लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाला धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 सोमवार को मध्य प्रदेश की विधानसभा से पारित हो गया। विधेयक में शादी और किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे स्वीकृति दे दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 1 मार्च को इस विधेयक को सदन में पेश किया था और सोमवार को चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। कानून के अनुसार अब जबरन भयपूर्वक डरा धमका कर प्रलोभन देकर बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था के खिलाफ शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित प्रावधानों के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार के इस कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी शादी को शून्य माना जाएगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए यूथ कांग्रेस ने भी पारित किया प्रस्ताव। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मुहिम के तहत यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में चल रही अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। कुछ हफ्ते पहले ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ऐसा ही प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि देश की मौजूदा परिस्थितियों में राहुल
गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि यूथ कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ा है। हमें विश्वास है कि राहुल गांधी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में संगठन मजबूत होगा। उनकी नियुक्ति से देश भर के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाया जाए तो अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा, पश्चिम बंगाल में फिर बनेगी ममता बनर्जी की सरकार। जी आपको बता दें कि CNX के ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा किया गया और जनता की राय जानने की कोशिश की गई। इस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में एक बार फिर से TMC की सरकार बन सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 148 है। सर्वे के मुताबिक TMC को बंगाल में 154 से 164 सीटें मिल सकती हैं, यानी पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है। वहीं BJP को और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले BJP के प्रदर्शन में जबरदस्त इजाफा होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में BJP महज 3 सीटें जीती थी, लेकिन सर्वे के मुताबिक इस बार BJP 102 से लेकर 112 सीटें जीत सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार बने और किसान आंदोलन में किसानों की जीत हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।